सो हम लोग ने टिकट ले लिए है पैडल बोट की, अब हम लोग भी पैडल बोट में जाएंगे। तो यहाँ देखो कितने सारे हिरन्स पूरे। हम लोग जो है ना अभी जमीन पे नहीं है, हवे में पहाड़ों के ऊपर हिल स्टेशन पे है हम लोग अभी। यहाँ का जो वेदर है 18 डिग्री और क्या ठंड लग रही है, कितना एकदम मौसम एकदम चिल्ड है, मजा आ रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैसूर। तो अभी जस्ट उठे हैं और अभी वक्त हो रहा है 7:07, अभी जस्ट नींद खुली है। तो अभी फटफट पानी नहाएंगे, गरम पानी नहाएंगे क्योंकि द वेदर एकदम 23 डिग्री चल रहा, तो एकदम चिल्ड है वेदर भी। तो फटफट जाके पानी नहाते, फ्रेश होते, फिर निकलते हैं यहाँ से मैसूर एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी जस्ट नहा के फ्रेश हुआ, जम्मू भी नहा लिया है, मैं भी नहा लिया, दोनों फ्रेश हो गए। अभी कॉफ़ी ऑर्डर करें, कॉफ़ी आएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर देखते हैं आज होटल में ब्रेकफास्ट में क्या है। और हम जिस होटल में रुके हैं, इस होटल का नाम है VC रॉय का कम्फर्ट्स होटल, अच्छा है, पार्किंग स्पेस भी अच्छी है एंड सर्विस भी थोड़ी बहुत ठीक है। होटल भी इधर 4th फ्लोर पे है, रेस्टोरेंट, सो काफ़ी ठीक ठाक था होटल। तो यहाँ से पैलेस भी काफ़ी नज़दीक है, इतना भी दूर नहीं है, मैसूर पैलेस भी बहुत नज़दीक है इस होटल से। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे, फिर जाएंगे मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे। आगे बढ़े रहे अम्मी अब आगे रूम से, हमारी कार भी दिखती है इधर खड़ी है देखो क्रिस्टा। और यहाँ अम्मी अब्बा के रूम से मस्त व्यू भी आ रहा है देखो। हमारे रूम में तो ये दीवार आ गई है लेकिन यहाँ से व्यू एकदम मस्त है। सो कॉफ़ी वगैरह पी लिए, अभी यहाँ से जाते हैं ब्रेकफास्ट करते, फिर उसके बाद जाते हैं मैसूर पैलेस देखने के लिए, फिर उसके बाद कहाँ जाने वाले बने रहे। पूरा पैकिंग वगैरह डन, जितना भी सामान था हमने पूरा पैक कर लिए। तो जम्मू एक बार फिर से चेक कर लेना, कुछ छूटा वूटा तो नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं 4th फ्लोर पे नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके फिर निकलेंगे मैसूर पैलेस के लिए, फिर देखते हैं आगे की क्या प्लान है। अब बने रहे, आज का लुक ऐसा है कुछ सिंपल, शर्ट एंड जीन्स, शूज, ऑल सेट, लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कहीं बाहर करेंगे, ऊपर गए तो खाली इडली थी, कुछ नहीं था, तो बैग वैग ले लिया, अभी चेकआउट करते हैं। सो हम लोग चेकआउट कर लिए है और ये है होटल VC रॉय Comforts. A few moments later. So, हम लोग का तो ब्रेकफास्ट आ गया है, मेहंदी वड़ा, जम्मू भी खा रहा है मेहंदी वड़ा, आशु ने मंगाई है वड़ा। सो हम लोग पैलेस पहुंच गए और पैलेस की पार्किंग में है और पार्किंग में कार लगा दी है। पार्किंग का जो टिकट प्राइस है 50 रुपीज है। तो हम लोग अभी पैलेस में एंटर होने वाले है और इधर पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ है, इधर बहुत सारी पब्लिक आई है इधर पे विजिट करने के लिए पैलेस। सो देखो कितनी लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए, और ये गेट पे भी और वो गेट पे तो ज़्यादा ही भीड़ है एकदम। सो रुकावट के लिए खेद है, तो हम लोग पैलेस तो गए थे लेकिन पैलेस के अंदर नहीं गए। पैलेस में जाऊँगा और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। फिर हम लोग पैलेस तो नहीं गए, उसके बाद सीधा हम लोग निकले ऊटी के लिए। तो व्लॉग कंटिन्यू। हाथी का बच्चा भी है, खाने ले बैठा। हिरन पॉइंट्स विजिट अगेन कर्नाटक गिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।
ककनल्ला चेक पोस्ट ग्रीन टैक्स पर है वहाँ मुदुमले टाइगर रिजर्व वेलकम सी हिरन देखो हिरन गाइस और वहाँ देखो कितने सारे हिरन हैं हिरन ये बुरे सवा पूरा ग्रुप है हिरन्स का शेर आ गया तो आया सब भागे गए तो यहाँ देखो कितने सारे हिरन्स पूरे अरे यहाँ देख आशु तू भाई तो आगे के क्लिप्स देख के समझ गए होंगे तो हम लोग कहाँ हैं तो अभी भी नहीं समझे तो हम लोग है अभी ऊटी में आ गए हम लोग मैसूर से सीधा ऊटी आए और जंगल में काफ़ी हिरने दिखे और 3 एलिफेंट्स दिखे बंदर वगैरह बहुत कुछ हिरन्स तो बहुत सारे दिखे देख आपने क्लिप में देख लिए होंगे पहले सो यहाँ हम थोड़ा अभी रुके हैं इंडियन सेवर्स थोड़ा चाय ब्रेक वॉशरूम वगैरह के लिए अपनी कार इधर खड़ी है सो क्या व्यू क्या नज़ारा क्या नेचर और हम लोग सोच रहे थे कि टाइगर दिखे या लेपर्ड दिखे कुछ तो दिखे लेकिन ऐसा कुछ दिखा ही नहीं हमको रास्ते में तो बहुत काफ़ी बड़ा जंगल था हम लोग मैसूर से होते होते ऊटी पहुँचे हैं ऊटी अभी भी बराबर नहीं है और आगे बता रहा है ऊटी इतना बड़ा जंगल लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस और ये एनिमल्स वगैरह हिरन भी मैंने अभी पहली बार मेरे लाइफ में आंखों से देखा एलिफेंट देखा तो कॉफ़ी चाय वगैरह सब पी के हो गया हम लोग वापस अभी निकल रहे हैं ऊटी की तरफ फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊटी के अंदर प्रॉपर ऊटी में है हम लोग और यहाँ पे एक प्लेस विजिट करने आए थे सो प्रॉपर ऊटी में हम लोग पहुंच गए और यहाँ का वेदर क्या चल रहा है जितना तक पता और यहाँ का जो वेदर है 18 डिग्री और क्या ठंड लग रही है कितना एकदम मौसम एकदम चिल्ड है मज़ा आ रही है और हम लोग आए थे इधर सीधा हम लोग एक लोकेशन पे आए हैं इधर बोट हाउस ऊटी सो जाते हैं अंदर और देखते पहले खाना खा लेंगे अम्मी भूख भी लग रही है खाना खा लेते पहले उसके बाद बोट हाउस में जाएंगे अंदर बोट में घूमेंगे ऊटी एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद शाम में होटल लेके सो यहाँ आए हैं हम लोग बोट हाउस ऊटी और यहाँ से टिकट लेके अंदर जाएंगे पीछे बाजू पूरा लेक है और इधर काफ़ी भीड़ है इधर देखो खाली कितने सारे गाड़ियाँ हैं इधर देखो और हम लोग जो है ना अभी जमीन पे नहीं है हवे में पहाड़ों के ऊपर हिल स्टेशन पे हम लोग अभी सो हम लोग यहाँ अभी होटल में बैठे हैं और ऑर्डर दे दिए हैं खाते हैं अभी खाना सो खाना खाने के बाद हम इस लोकेशन पे आए हैं बोट पे बोट हाउस तो यहाँ पे हम बोट चला सकते हैं सो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है इधर पे सो यहाँ पे बोट हाउस में भी काफ़ी भीड़ है बहुत भीड़ है और यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है 2 सीटर का 300 डिपॉजिट के साथ 600 4 सीटर का 400 डिपॉजिट 400 के साथ 800 सो हम लोग ने टिकट ले ली है पैडल बोट की अब हम लोग भी पैडल बोट में जाएंगे जम्मू आशु मैं और 400 रुपया है टिकट सो ऑलराइट हम लोग बोट में बैठ गए मैं और जम्मू आशु 4 सीटर बोट में बैठे हैं बस बोर्डिंग कर रहे हैं सो देखो वहाँ आशु बैठी है
ये जम्मू यहाँ पेंडल मार रहे हैं, मैं और जम्मू पेंडल मार रहे हैं। और ये कुछ ऐसा नजारा है, सो आज पेंडल मारते मारते हालत ही खराब हो गई, पैर एकदम लेग्स के आज लगने वाले बाट आज जम्मू। तो हम लोग अभी खाना खाने के लिए आए हैं, डिनर करने के लिए अंगारा रेस्टोरेंट में। तो यही है वो अंगारा रेस्टोरेंट, हमारे होटल से कुछ 10 मिनट्स का रास्ता है। सो कल हम लोग ऊटी पहुँचे थे, फिर ऊटी पहुँचने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट बोट हाउस गए थे, बोट हाउस में बोट वगैरह चलाए, फिर इंजॉय करे, फिर बोट हाउस से निकले हम लोग, फिर होटल चेक इन करने के लिए इतना ढूंढे, इतनी मगज मारी, जा भी मैं बुक करो फिर वहाँ जा रहा हूँ तो फुल बता रहे, फिर इतना ढूंढे कम से कम 1-2 घंटा तो हम लोग रूम ही ढूंढते रह गए, होटल ही ढूंढते रह गए। फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद फिर एक हमको रूम मिला, मनन्या कॉटेज बोल के, ये यहाँ पे ऊटी में ही है, हिल रोड पे, तो मुश्किल से मिल गया। फिर हम लोग बोले कैसा, तो एक रात गुजारेंगे आज, और हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं आज मैसूर के लिए, क्योंकि ऊटी में एक दिन ही बस हो गया। यहाँ का जो ऊटी का जो वेदर, क्या चिल्ड वेदर है, लाइफ में पहली बार इतनी कम डिग्री में हम हाई लगता, सुबह मॉर्निंग में 12 डिग्री कुछ बता रहा था, तो बहुत ही चिल वेदर है, मज़ा आ गई। तो आज दिन काफ़ी है, निकल रहे आज मैसूर के लिए। सो यहाँ तक ब्लॉग देखे तो तहे दिल से शुक्रिया। ये ऊटी का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।